बोलो पहला सेंटेंस क्या था? क्या तुम 10 मिनट से बस का वेट कर रहे हो? क्या तुम 10 मिनट से बस का वेट कर रहे हो? बस का वेट कर क्या बनाया? Have you been waiting for the bus? For the bus. Bus car नहीं सर. Wait for bus. Have you been waiting for bus? और क्या है? For 10 minutes. ऐसे बनेगा. ठीक है? इंतजार करने के लिए आता wait for. इंतजार करना किसी भी चीज के लिए wait for. नेक्स्ट वैसे पौधों को पानी दे रहा है. हाँ सबने से बनाया पीछे सुना था. हैव यू बीन वेटिंग फॉर बस फॉर 10 मिनट्स? दो बार बोल रहा है. यस सर. कोई आपत्ति नहीं है? कितनी बार आए? जब है जो सर मैंने तो ऑफ लगाई. ऑफ नहीं आएगा, फोर कर दो उसको. है हैव यू बीन वेटिंग फॉर बस फॉर 10 मिनट्स? नेक्स्ट वैसे पौधों को पानी दे रहा है. वैसे पौधों को पानी दे रहा है तो क्या बनाया? He has been giving water to plants since morning. Morning. Next. मेरे पापा जी नोएडा से नोएडा में रह रहे हैं. मेरे पापा जी नोएडा से दिवाली से नोएडा में रह रहे हैं. नोएडा में रह रहे हैं तो? नोएडा से दिवाली. My father has been living in Noida since Diwali. दिवाली. और क्या भाई दो घंटे से बाइक रिपेयर कर रहा है? क्या भाई दो घंटे से बाइक रिपेयर कर रहा है तो क्या बनाया? Has he been repairing the bike for 2 hours? 2 hours. और कितने लोग एक महीने से CAA का विरोध कर रहे हैं? हाँ शुभम सही कर रहे हो. जी कल मैं ढांगो कितना कल बनाया? How many people have been protesting of CAA? क्या ऑफ नहीं आएगा? सीधा CAA आ जाएगा. The CAA कर सकते हैं. Yes मतलब how many people have been protesting CAA? मतलब the CAA for 1 month. Next सर opposing नहीं आ सकता? Opposing आ जाएगा. क्या तुम सुबह से फोन नहीं चला रहे हो? Have you not been operating phone since morning? और वह पिछले सेशन से मेरे पास आ रहा है. वह पिछले सेशन से मेरे पास आ रहा है. हां तो He has been coming to me since last Sunday. Sunday since the last Sunday होगा, ठीक है? Since the last Sunday. लिखवा दे तुमको since the last Sunday, the last month. लिखवा दे. ठीक. सही एक बार बोलियो. He has been coming to me since the last Sunday. Next. तुम एक घंटे से नदी किनारे क्यों बैठे हो? Why have you been sitting the bank of the river for 1 hour? मतलब बैंक के किनारे हैं? Yes sir. तो बैंक ऑफ द रिवर. बैंक ऑफ द रिवर. बैंक ऑफ द रिवर. तो नियर द बैंक ऑफ द रिवर है. नियर किनारे पे ही बैठे हुए थी. तो मेरी बेटी ना नदी किनारे क्यों बैठे हो? अच्छा तो व्हाई हैव मतलब यू बीन सिटिंग एट एट द बैंक ऑफ द रिवर फॉर 1 आवर. फॉर 1 आवर. और तुम कब से अंग्रेजी का बैच ज्वाइन कर रहे हो? Since when have you been attending
ज्वाइनिंग नहीं आएगा, ज्वाइनिंग एक बार ज्वाइन करते हैं उसके बाद तो अटेंड करते हैं, ठीक है, ज्वाइन एक ही बार करते हैं, अटेंड तो चलिए तो सिंस यू हैव बीन अटेंडिंग द बैच ऑफ इंग्लिश इंग्लिश हैं ज्वाइनिंग ना खास करके ज्वाइनिंग जो है एक बार ज्वाइन करते हैं फिर तो अटेंड करते हैं, ठीक है, ज्वाइन एक बार किया जाता है। वह पिछले दो दिन से कॉलेज नहीं जा रहा है तो नॉट में जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्पेलिंग बोलते हो कंटिन्यूअस पी आर ई एस ई एन टी प्रेजेंट कंटिन्यूअस सी ओ एन टी आई एन यू ओ यू एस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एम्फेसाइज किया जाता है ई एम पी एच ए emphasize किया जाता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं एग्जाम्पल लिख लो यू हैव बीन ईटिंग द मैंगो इसका मतलब है हिंदी में रख लो तुम आम खा ही तो रहे हो यू हैव बीन ईटिंग द मैंगो का हो जाएगा तुम आम खा ही तो रहे हो और लिख लो आई हैव बीन टीचिंग मैं पढ़ा ही तो रहा हूँ I have been teaching. ठीक तो ये यहीं पे आपका समाप्त है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक तो प्रेजेंट टेंस का तुम्हारा यहीं पर ही लास्ट है, ठीक सीधा रुक करते हैं सिंपल पास्ट का। बोले तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक सिंपल पास्ट टेंस बोलो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलो बात एक ही है। क्या मतलब होता है सिंपल पास्ट का? सिंपल पास्ट का मतलब है ये भी क्या दिखाएगा तुम्हारे काम को, जैसे परफेक्ट था ना फ्रीज एक्शन को शो कर रहा था, ऐसे ही ये भी फ्रीज एक्शन को ही शो करेगा लेकिन इसका प्रभाव जो है वो पास्ट पे ही जाकर के पड़ेगा। उसका प्रेजेंट का पड़ रहा था प्रेजेंट परफेक्ट का, और सिंपल पास्ट का जो प्रभाव है वो पास्ट पे ही पड़ेगा। हिंदी में कुछ इस तरीके से निकलेगा क्योंकि मैंने खाना खाया था, वह बाजार गया था, उसने ये किया था, मैंने ये किया था, ठीक जो भी आपने मतलब किया फिनिश पास्ट में, अब से पहले जो भी आपने किया वो सब आपका पास्ट होगा। वो दो तरह का पास्ट हो सकता है फिनिश के लिए आपका, यानी तीन तरह का पास्ट हो सकता है। एक तो है तुम्हारा परफेक्ट, वो भी फिनिश्ड एक्शन को शो करता है, ऐसे ही है तुम्हारा पास्ट
इंडेफिनिट ये भी फिनिश्ड एक्शन को शो करेगा, पास्ट परफेक्ट वो भी फिनिश्ड एक्शन को शो करेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब तो ये है कि काम तो आपका पास्ट में ही समाप्त होगा लेकिन उसका जो प्रेजेंट में इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। पास्ट का जो सिंपल पास्ट है ये तुम्हारे जस्ट पास्ट को शो करेगा, यानी काम पास्ट में ही समाप्त होगा और जो प्रभाव है वो भी आपका पास्ट में ही पड़ेगा, ठीक। और इसमें जो है टाइम वर्डों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जो टाइम के वर्ड हैं, मतलब जो टाइम मतलब समय को दिखाने वाले शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिंस ऑफ फोर का नहीं किया जाता है। यानी इसमें सिंस या फॉर इसको लाना जो है गलत होगा, सिंस ऑफ फोर का इस्तेमाल इसमें नहीं होता, वो तुमको बता दिया था, सिर्फ चार में होता है, ठीक। यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सिर्फ फोर में होता है, सिंस ऑफ फोर दोनों का प्रयोग। इसमें सिंस फोर का इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन हाँ टाइम का यूज होगा, वो किस तरीके से होगा वो भी जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मतलब जो भी काम आपने किया दो तरीके से हो सकता है, काम पास्ट में भी दो तरीके से आप फिनिश कर सकते हो उसको, तीसरा तो बता दिया तुमको प्रेजेंट परफेक्ट, तो ठीक उसको निकाल रहा हूँ बीच में, बस पास्ट परफेक्ट में और आपके पास्ट परफेक्ट में अंतर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिएगा ये है कोई चीज, एक बिंदु ये है तुम्हारा, ठीक। अब मान लीजिए कोई काम आपने फिनिश किया, अब कोई काम मान लीजिएगा तुमने ये तुम्हारा यहाँ से है, मान लो गाड़ी को किसी तरफ से ले लो, इधर से चला मान लो कोई चीज़ है, यहाँ से मान लो ये आपका पुल बनना है, ठीक पुल बनना है, और जो आधा पुल है वो यहाँ पर फिनिश कर दिया, मान लो आधा पुल बना करके एक दिन में तुम्हारा ये पॉइंट पर फिनिश कर दिया, और उसके बाद मान लीजिएगा फिर काम शुरू किया और उसके बाद फिर से आगे गए और यहाँ ला करके वो पूरा काम फिनिश कर दिया। तो अब जब बोलेंगे दो तरीके से बोलेंगे कि हमने एक पुल बनाया था और आधा पुल हमने जो है इतने टाइम पहले फिनिश कर दिया था, ठीक। एक तो पुल बनाया था, एक आधा पुल बना लिया था, यानी दो तरीके से, यानी एक तरीके से ये पॉइंट या इसको छोड़ो सीधा सीधा ये तुम्हारा अगर इतना फिनिश है काम यहाँ पर, ठीक यहाँ से लेकर के चलें और एक इसको लेकर के चलें या इससे और पॉइंट आगे बढ़ जाएं हम, तो अगर जस्ट पास्ट होगा मतलब जो काम कुछ समय पहले फिनिश हुआ होगा तो उस कंडीशन में वो जस्ट पास्ट होगा, और अगर काफ़ी दिन पहले फिनिश हुआ होगा तो वो मोर पास्ट होगा। लेकिन इसमें ऐसी कोई मतलब कंडीशन नहीं है कि इसी से ही जानने का प्रयास करो, हिंदी में भी समझ सकते हो कि एक तो मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खा लिया था, वह बाजार गया था, वह बाजार चला गया था, दो अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं, वह बाजार गया था, वह बाजार चला गया था, यानी वह बाजार गया था तो जस्ट पास्ट होगा, सिंपल पास्ट होगा, वह बाजार चला गया था तो मोर पास्ट होगा, ठीक। दो अलग अलग तरीके से यानी हिंदी में हमने लिखे सेंटेंस की वह बाजार गया था, वह बाजार गया था, ये हो गया तुम्हारा सिंपल पास्ट, और हमने बोला कि वह बाजार चला गया था तो ये होगा तुम्हारा पास्ट परफेक्ट, ये होगा पास्ट परफेक्ट। थोड़ा सा अंतर है बस तुम्हारे सिंपल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में, और हिंदी भाषा में थोड़ा सा समझना टफ है, ठीक, लेकिन फिर भी जानने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे आइडिया भी हो जाएगा। वह बाजार गया था तो सिंपल पास्ट, वह बाजार चला गया था तो पास्ट परफेक्ट, मैंने खाना खाया था सिंपल पास्ट, मैंने खाना खा लिया था पास्ट परफेक्ट, उसने चाय पी थी, उसने चाय पी थी तो जस्ट पास्ट हो गया, उसने चाय पी ली थी मोर पास्ट, उन्होंने पुल बनाया था जस्ट पास्ट, उन्होंने पुल बना लिया था मोर पास्ट, उन्होंने ताजमहल बना दिया था मोर पास्ट,
है मोर पास्ट उन्होंने ताजमहल बनाया था जस्ट पास्ट तो हिंदी में समझ में आ रहा है हैं मैंने आम खाया था जस्ट पास्ट हैं जस्ट पास्ट मैंने आम खा लिया था मोर पास्ट हैं मोर पास्ट मैंने इंग्लिश सीखी थी जस्ट पास्ट मैंने इंग्लिश सीख ली थी मोर पास्ट मैंने इंग्लिश सीख ली है जस्ट पास्ट मैंने इंग्लिश सीख ली है प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट मैंने इंग्लिश सीख ली है प्रेजेंट परफेक्ट मैंने इंग्लिश सीख ली है सीख तो ली काम पास्ट में फिनिश किया लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट पे आ गया मैंने इंग्लिश सीख ली है मैंने खाना खा लिया था मोर पास्ट मैंने खाना खा लिया था मोर पास्ट मोर पास्ट मैंने खाना खा लिया है जस्ट पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट मैंने खाना खा लिया है मैंने खाना खाया था जस्ट पास्ट एक चीज समझने का प्रयास करो हिंदी में अगर समझना है तो एक तो मैंने खाना खा लिया है इसको पहचानने कोई नई बात नहीं है मैंने खाना खा लिया है तो इतना तो ज्ञात हो रहा है कि काम फिनिश हो गया है इतना तो पता चल रहा है कि फिनिश हो गया है लेकिन हिंदी में फिर मैंने बताया था कुछ चीजें तुमको मान लो प्रेजेंट में फिनिश हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा उसको पहचानना है तो पीछे है अक्षर मिलेगा मैंने खाना खा लिया है तो पता नहीं चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट है फिनिश हो गया तो परफेक्ट में फिनिश हो सकता है और किसी में हो नहीं सकता ठीक मतलब है तो एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा जिसमें फिनिश एक्शन को शो करता है कंटीन्यूअस में भी नहीं करता ना ही सिंपल प्रेजेंट में करता ठीक तो इस तरीके से आप जान सकते हैं तो ये होता है तो थोड़ा थोड़ा अंतर है बस और धीरे धीरे ये जब सेंटेंस बनाओगे तो तुमको आइडिया हो जाएगा ठीक उन्होंने चाय बेची थी वह दो दिन नहीं आया था वह कल आया था मैंने मोबाइल बेच दिया था उसने बाइक रिपेयर कर दी थी मोर पास्ट उसने बाइक रिपेयर की जस्ट पास्ट जस्ट पास्ट आज नहीं बड़ी बात है काम वाली ना भाई यार तो फिर बोल का रहे तो बोल तो रही ना रहे है हां बोल ले हो वह मार्केट गया था जस्ट पास्ट वह मार्केट गया था जस्ट पास वह मार्केट चला गया था मोर पास हैं मोर पास क्या हुआ कुछ ना कैसे हो रहे हो इसे ऐसे क्यों उसने फूल तोड़ा था जस्ट पास जस्ट पास उसने फूल तोड़ा था जस्ट पास उसने फूल तोड़ लिया था मोर पास उसने फूल तोड़ा है मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी मैंने इंग्लिश पढ़ा दी थी मैंने लंच किया था मैंने लंच कर लिया है प्रेजेंट परफेक्ट मैंने लंच कर लिया है वो मार्केट गए हैं वो मार्केट गए हैं परफेक्ट वो मार्केट गए हैं परफेक्ट वो मार्केट गए थे वो मार्केट चले गए थे तो कुछ पता चल रहा है थोड़ा बहुत उसने मतलब सफेदी की थी पता चल रहा है इस तरीके से पहचान सकते हैं इंग्लिश में कोई दिक्कत होगी नहीं इंग्लिश में तो हम जान लेंगे अब इसके लिए एक्चुअली क्या है एक्चुअली जो होती है होती है आपकी डिड एच वी जो होती है वो क्या होती है did. और जो एम वी है पास्ट के लिए एक ही होती है वो क्या होती है ये तुमको बता दिया था ठीक ये पहले बता दिया था तुमको अब मान लो सेंटेंस आपको बनाना है वह इसी को बनाना हो वह बाजार गया था अब वह बाजार गया था सबसे पहले तो ये पहचाना टेंस कौन सा है तो ना तो है ना गया है ना है ना गया है तो इसका मतलब क्या है पास्ट है अब पास्ट है ये देखो कि वह बाजार गया था तो
फिनिश्ड एक्शन को शो कर रहा है, फिनिश्ड एक्शन को शो कर रहा है, और फिनिश्ड एक्शन को शो करने के लिए पास्ट में दो तरह के पार्ट होते हैं, एक तो होता है सिंपल पास्ट, एक होता है पास्ट परफेक्ट। कुछ समझ रहे हो बात को? इसका भाव समझो सेंटेंस का, वह बाजार गया था, वह बाजार गया था, इसका मतलब काम तो फिनिश हो गया था, हैं? लेकिन फिनिश भी दो तरह के वो पार्ट है पास्ट में, एक तो है सिंपल पास्ट और एक है पास्ट परफेक्ट। अब आखिर उन दोनों में से कौन सा है ये जानने का प्रयास करना है, ठीक। इसको जानने के लिए क्या करोगे? इसको जानने के लिए फिर अपना जो अभी बता रहा था उसका सिक्सेंस यूज करो। वह बाजार गया था, वह बाजार चला गया, तो इसका मतलब जस्ट पास्ट की बात करी है, ठीक। वह बाजार गया था या वह बाजार चला गया था तो वो मोर पास्ट हो जाएगा। तो है बाजार गया था तो इसको बनाना है, सिंपल है, सिंपल स्ट्रक्चर यूज करना है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक। वही चार स्ट्रक्चर है और उन्हीं का इस्तेमाल हम करते जा रहे हैं। हमको बनाना है तो ही जाना होता है, मतलब ये वर्ब आएगा, जाना क्या होता है गो, और गो का भी टू वेंट, और मार्केट गया था तो टू मार्केट मार्केट, ठीक। नंबर टू हम बोले उसने अरे क्या घड़ी ऐसे लिखा जाएगा, घड़ी, उसने घड़ी चुराई थी, उसने घड़ी चुराई थी तो ही, और चुराना का होता है स्टील, स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल, और द वॉच, इस तरीके से जो है बना देंगे स्टोल द वॉच, ठीक। और इसका मान लो नेगेटिव बनाना है, दो चार एग्जाम्पल दो, कैसे बनाओगे वो जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो हमने बोला तुम कल नहीं आए थे, अब तुम कल नहीं आए थे, क्या बनाना है? तो यू सिंपल ही है यू, लेकिन नेगेटिव हो गया, नहीं आ गया, तो इसका मतलब एच भी साथ आएगी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस नॉट और प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये जो स्ट्रक्चर है यस सर, नॉट वाला यस सर, तो यू और एच वी क्या है डिड, उसके बाद नॉट, अब आना क्या है कम, कम का सेकंड फॉर्म केम, लेकिन केम लाना सही रहेगा सर, नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा वो समझ लीजिए, वो इसलिए सही लगेगा क्योंकि इसके पास क्या मौजूद है एच वी मौजूद है, नौकर मौजूद है, अगर नौकर मौजूद है तो कुछ भी रूल एंड रेगुलेशन है फॉलो ये करेगा, ठीक, ये कर रहा है तो क्या दिक्कत है, इसने फॉलो कर लिया, बन गया भी टू, तुमको जरूरत नहीं, तुम जैसे थे ऐसे रहो, तो यू डिड नॉट कम का कम ही रहेगा, अपने आप में फ्री हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, ठीक। यू डिड नॉट कम कल तो ठीक, ऐसे नेगेटिव हो, नेगेटिव हो, सॉरी इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या तुमने फूल तोड़ा था, अब क्या तुमने फूल तोड़ा था तो पहले एच वी आएगा, एच वी एक ही है वो है डिड, डिड, उसके बाद यू, अब है आपका वाव तोड़ना, ठीक, तो तोड़ना क्या होता है प्लग, प्लग का प्लग रहेगा, प्लग नहीं होगा, प्लग और द फ्लावर, ठीक, इस तरीके से बन जाएगा एक में ही, मतलब एक बार में सारी चीज बताती है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सारा ट्रेंड पर लिखो जल्दी से। एक काम करो, दो चार सेंटेंस लिखो अपना बनाओ, देखो क्या उसने, क्या उसने आपकी बाइक रिपेयर नहीं की थी, क्या उसने आपकी बाइक रिपेयर नहीं की थी, क्या उसने आपकी बाइक रिपेयर नहीं की थी, वह मेरे पास, वह मेरे पास
दो दिन पहले आया था, वह मेरे पास दो दिन पहले आया था। क्या तुम यह बात भूल गए थे? क्या तुम यह बात भूल गए थे? वह किसके साथ गया था? वह किसके साथ गया था? वह किसके साथ गया था? क्या तुमने रोहित को 500 रुपये दिए थे? क्या तुमने रोहित को 500 रुपये दिए थे? उसे बाइक ले जाने की क्या जरूरत थी? बनाओ जरा जल्दी से। चलो बोलो, तो पहला सेंटेंस बोलो। क्या उसने आपकी बाइक रिपेयर नहीं की थी? क्या बनाया? Did he not repair your bike? वह मेरे पास दो दिन पहले आया था तो He came to me before two days. तो मेरे पास दो दिन पहले आया था तो He came to me before 2 days. और क्या तुम यह बात भूले थे? क्या तुम यह बात लादी थी या क्या तुम यह बात भूले थे? तो forget this thing. Yes sir. और वह किसके साथ गया था? तो did he go? क्या और क्या तुमने रोहित को 500 रुपये दिए? तो did you give Mohit? Yes sir. Five two नहीं आया असल में रोहित टू नहीं आया रोहित मोहित रोहित है मोहित क्या था रोहित did you give रोहित ये वाला कैसे बनाया था ये बाइक ले जाने की क्या जरूरत थी? तो मतलब क्यों बोला था? क्या 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 सर? तो why did he need क्या जरूरत थी? उसमें बाइक का नाम तो पहले चीज का नाम के लिए वहाँ पहले से आ रहा है क्या? पॉइंट लिखो इसके लिए, कुछ पॉइंट लिख लो सिंपल मास के लिए, कोई कुछ पॉइंट लिख लो, उसके बाद सेंटेंस लिखो घर के लिए। लिखिए पॉइंट नंबर 1 लिखो, सिंपल पास्ट का प्रयोग
सिंपल पास्ट का प्रयोग कहानी लिखने के लिए, यानी कहानी के लिए, कहानी के लिए कॉमा घटना के लिए, रिपोर्ट के लिए, रिपोर्ट के लिए जो पास्ट में घटित हुई हो, जो पास्ट में घटित हुई हो के लिए प्रयोग करते हैं, के लिए प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर टू लिखो, एगो, एगो ए जी ओ एगो कॉमा प्लस स्लैश करके लिख लो, या यस्टरडे, यस्टरडे वाई ई एस टी ई आर डी वाई यस्टरडे स्लैश द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे स्लैश yesterday morning slash last night slash last week slash last month slash last year का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखो, ऑन मंडे स्लैश संडे, स्लैश करके संडे कर लो है, स्लैश द अदर डे, द अदर डे स्लैश इन 2010, इन 2010 स्लैश इन अप्रैल, इन अप्रैल, इन अप्रैल, इन अप्रैल क्या हुआ, इन अप्रैल आदि का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, आदि का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, आदि का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखो, पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखो, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग आदत को शो कराने के लिए, आदत को शो कराने के लिए करते हैं, आदत को शो कराने के लिए करते हैं, आदत को शो कराने के लिए करते हैं। आदत को सुधारने के लिए करते हैं। जो जो लिखाया है ये पढ़ना है, घर जाके तब समझ में आएगा, और ठीक, और इसके आधार पे ही मैं सेंटेंसेस आपको बोलने जा रहा हूँ। जैसे हैबिट की बात आएगी तो क्या होगा, हैबिट वाली कंडीशन पर ये काम होगा। हैबिट के लिए दो चीज का प्रयोग करते हैं, एक तो इस्तेमाल करते हैं यूज्ड टू, पास्ट में यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा इस्तेमाल करते हैं वुड के लिए। वुड का मतलब अंतर इतना होता है, जो काम आप क्या करते थे, क्या करते थे या किया करता था है? क्या करता था और ये कभी कभी क्या करता था, कभी कभी क्या करता था, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। अंतर इतना है, इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या बनेगा,
सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वी वन और प्लस अदर वर्ड। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड, वुड प्लस वी वन, वुड के साथ वी वन आता है, प्लस अदर वर्ड। ठीक, इसमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल होगा, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है, समटाइम्स, सेल्डम, यूजली, जनरली, इसी मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा। ठीक, और ये जो वर्ड है जस्ट वुड से पहले आ जाएंगे। ठीक है, मतलब जो समटाइम्स है बस इसको छोड़ करके, ये तो बाद में जाएगा, बाकी सबको आप सब्जेक्ट के जस्ट लेना है। ठीक, यानी ही सेल्डम, ही सेल्डम प्ले क्रिकेट, वुड, ही सेल्डम वुड प्ले क्रिकेट, यानी वह मतलब सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, है किसका वुड का मतलब वुड उस जगह प्रयोग होगा जहाँ कभी कभी किया काम क्या करते थे, तो उसमें इस वर्डों का और इन वर्डों का इस्तेमाल होगा, इन वर्डों का इस्तेमाल होगा उनके साथ, वुड के साथ। ठीक है, तो वह मतलब कभी कभी मतलब खेला क्रिकेट खेला करता था। ऐसे लिखा क्रिकेट, क्रिकेट लिख दिया, क्रिकेट क्रिकेट लिखा जाएगा ना, क्रिकेट खेला करता था। ठीक ठीक, इस तरीके से समटाइम्स का मतलब भी कभी कभी है, सेल्डम का मतलब जो है वही यदा कदा, बात कभी कभी पे जाकर टिकती है। ठीक, यूजुअली भी मतलब सामान्यता, जनरली सामान्यता, सब मतलब कभी कभी के लिए ही है। और इसका कुछ तरीके से होगा, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब हो जाएगा मैं क्रिकेट खेला करता था। ठीक है, कभी कभी नहीं, मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था। ठीक, तो राइट पास में कुछ जल्दी से लिखते हैं। घर के लिए सेंटर में लिखो जल्दी से, लिखिए क्या उसे क्रिकेट खेलना पड़ता था, क्या उसे क्रिकेट खेलना पड़ता था क्या उसे क्रिकेट खेलना पड़ता था। ध्यान से लिखो, तुम बाजार जाना क्यों चाहते थे, तुम बाजार जाना क्यों चाहते थे नैन लिखो, वह खेलने का प्रयास करता था, वह खेलने का प्रयास करता था नाचलो, वह ताजमहल देखने के लिए आगरा गया था। हमने
दो दिन पहले हमने दो दिन पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिनिश किए थे। हमने दो दिन पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म किए थे। क्या उसने तुमको नहीं देखा था? क्या उसने तुमको नहीं देखा था? उसे क्या खाने की आवश्यकता थी? वह स्कूल पैदल जाया करता था। वह स्कूल पैदल जाया करता था। वह कभी कभी देर से आया करता था। क्या उसने तुमको आमंत्रित नहीं किया था? 10 हो गए हैं, हो गए ना 10? यस सर। ठीक है, तो बना कर लाने हैं।